तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas Netflix वाली जो गेम है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हो मेरे सामने, अगर आप इन गेम को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हो यहाँ पर आपको जो है प्ले स्टोर में एरर शो करता है, योर डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, और आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर ऐसी देखने को मिल रहा है GTA 3। अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे GTA Vice City या फिर GTA San Andreas में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे GTA Vice City, यहाँ पर जाकर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊँ GTA San Andreas में, यहाँ पर हमारी GTA San Andreas है, यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें भी हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में तक बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए गाइस जान लेते हैं हम इस प्रॉब्लम को क्या करना होगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एंड्रॉइड 11 या फिर उससे ऊपर का वर्जन है तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अगर आपका एंड्रॉइड 11 या फिर उससे नीचे का वर्जन है, जिसे आप देख पा रहे हैं मैंने गूगल में ओपन कर रखे, यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्ले यू विल हैव टू इंस्टॉल द गेम ऑन योर डिवाइस, फर्स्ट यू नीड अ कंपेटेबल डिवाइस एंड्रॉइड फोन और टैबलेट रनिंग एंड्रॉइड 11 और लेटर विद अ हाई परफॉर्मेंस GPU सच एज स्नैपड्रैगन 855 और बेटर एंड GPU सच एज एंड्रेनो 640 और बेटर। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बात बताई एंड्रॉइड 11 या फिर उससे ऊपर वाला, वही इसमें सेम टू सेम चीज लिख रखी है और इसके साथ साथ हमें लिखा हुआ है विद अ हाई परफॉर्मेंस CPU। ठीक है, आपके मोबाइल में जो है एंड्रॉइड वर्जन ही साथ ही उसके साथ साथ जो आपका CPU होता है मोबाइल का वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 855 है तो उससे ज़्यादा, मतलब स्नैपड्रैगन 855 है तो जो है उसमें यहाँ पर आपकी गेम इजिली रन कर जाएगी, और अगर आपके पास उससे भी अच्छा प्रोसेसर है कोई तो उसमें भी इजिली रन कर जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा सबसे मेन यहाँ पर पार्ट आता है GPU। ठीक है, GPU में दे रखा है एंड्रेनो 640, अगर आपके पास है आपके मोबाइल में ये GPU है तो आपकी गेम इजिली रन कर जाएगी, और अगर इससे भी आपके इससे भी अच्छा कोई प्रोसेसर आपके मोबाइल में तो वो भी एकदम गेम अच्छी चल जाएगी। ठीक है, पहले इन सभी स्पेसिफिकेशंस आपके मोबाइल में होने चाहिए तभी आप जो है इन गेम्स को खेल पाओगे। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में सब स्पेसिफिकेशंस है फिर भी आप नहीं खेल पा रहे तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। आपको बैक आना है, बैक आने के बाद मोबाइल की सेटिंग्स को एक बार ओपन कर लेना है। ठीक है, मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको मिल जाएगा MIUI वर्जन। ठीक है, मेरे मोबाइल में यहाँ पर MI का फोन, मेरा मतलब मोबाइल Redmi या फिर MI का है इसलिए यहाँ पर MIUI वर्जन शो करना है। बेसिकली आपको करना है क्या है, यहाँ पर अगर आपको अपडेट शो कर रहा है तो आप अपने फोन को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि अपडेट की वजह से आपकी गेम में जो है आपके मोबाइल में रन नहीं कर रही हो गेम, इसलिए जो है आपको एक बार अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, आपको ये काम कर लेना। ये काम करने के बाद अगला सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके किसी फ्रेंड के पास जो है ये गेम खेल रहा है GTA वगैरह, तो आप उसे जो है किसी भी थर्ड पार्टी फाइल ट्रांसफर के थ्रू अपने मोबाइल में ले लीजिएगा, उसके बाद आप गेम रन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर से नहीं कर पा रहे तो आपको अपने किसी फ्रेंड से जो इस गेम को अभी इंस्टॉल कर पा रहा है, ठीक है, तो आप उससे जो है अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लीजिएगा, उसके बाद आप भी इसे खेल पाओगे। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ लास्ट यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में जो कि है, तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ जाके लाइक, अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम जा रहे हैं GTA San Andreas में, यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं प्ले स्टोर में आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से प्ले स्टोर में आ चुका हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो है ऐप सपोर्ट में आना, और यहाँ पर आपको ईमेल देखने को मिल रही होगी, ईमेल जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपको इस ईमेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपकी जो है मेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर कैसे आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी, रिपोर्ट आप अपने हिसाब से जो है लिख दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर गेम की टीम है उससे आप जो है डिस्कस करेंगे और उनका रिप्लाई आपको 24-48 घंटे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रिपोर्ट वगैरह लिख लीजिएगा, और साथ में गाइस आपको जरूर से एक फाइल अटैच करनी होगी। किस चीज़ की फाइल अटैच करनी है दिखा देता हूँ, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, साथ में सेटिंग में आने के बाद अबाउट फोन में आने के बाद हमें मिल जाएगा डिटेल इन पॉइंट स्पेक्स का एक ऑप्शन। यहाँ पर आने के बाद जितने भी आपके मोबाइल में स्पेक्स वगैरह होंगे, जो भी आपके मोबाइल की स्पेसिफिकेशन होगी सब आपको देखने मिल जाएगी, इस चीज़ का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी देख लिया, तो यहाँ पर मैं जिस तरह जाऊँगा डायरेक्टली, और उसके बाद दोबारा ईमेल में, और अब आप क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सेंड के लेफ्ट साइड में, आपको इस पर क्लिक करके अटैच फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट भी लिए थे आपको सिलेक्ट करके सिंपली सिलेक्ट हो जाएंगे आपके, आपको अपनी रिपोर्ट लिख के सेंड कर देनी है। ठीक है, 24-48 घंटे में आपका जो रिप्लाई आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप उनसे बात वगैरह कर सकते हो।
ठीक है गाइस, ये काम आप कर लेना। या फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो कि है थर्ड पार्टी वे, ठीक है। थर्ड पार्टी वे यानी कि हम प्ले स्टोर से नहीं कर पा रहे तो हम जो है यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जैसे GTA सैन एंड्रियास नेटफ्लिक्स डाउनलोड, ठीक है। हम जो है क्रोम या फिर किसी और ब्राउजर के थ्रू यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इससे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो आप अपनी गेम को इंस्टॉल इजीली कर सकते हो। सो गाइस कैसे लगे आपको अच्छी कमेंट में जरूर बताना। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ टेक केयर, लव यू ऑल।